गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सवेरे सीजन 1 एपिसोड 10 द करंट अफेयर्स शो भक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो रोज की तरह आज हम लोग आज के टॉप हेडलाइंस टॉप करंट अफेयर्स की ओर एक बार देखते हैं। चलिए आते हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन बी पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन सी उमर राशिद, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अभी जो टेक्निकल अधिकारी टेक्निकल ऑफिसर जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है उमर राशिद। ठीक है, उमर राशिद इज द राइट आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद ध्यान रखिएगा प्रकाश पादुकोण, ये जो पहला ऑप्शन दिया है इनको आप लोग जानते ही होंगे, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, भारत से पहली बार ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी उसके पहले भारतीय विनर रह चुके हैं कौन? प्रकाश पादुकोण। और सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिया है पुलेला गोपीचंद, वो सेकंड नंबर पे भारत के सेकंड ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप विनर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पुलेला गोपीचंद को भी अवार्ड मिल चुका है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए। तो अभी उमर रशीद जो हैं वो इसके टेक्निकल अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ऑन 11 मई 2023। 11 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है NRI डे मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, ऑप्शन बी नेशनल वोटर्स डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ऑप्शन डी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ध्यान रखिएगा NRI डे जो है, NRI डे का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया प्रवासी भारतीय दिवस या नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, ये कब मनाया जाता है हमारे देश में? तो ध्यान रखिएगा 7 से 9 जनवरी। ठीक है, अभी इस साल का भारतीय प्रवासी दिवस भारत के किस राज्य में मनाया गया? इंदौर में मनाया गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया 7 से 9 जनवरी को कहां पे? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया गया। और कौन से नंबर का था ये? तो ये भी ध्यान रखिएगा 17th नंबर का NRI दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं। ऑप्शन डी दिया है नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस, तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, और नेशनल टेक्नोलॉजी डे मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 11 मई को। तो 11 मई इज द राइट आंसर, मतलब 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई है 1958 में। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत कहां हुई है, कब हुई है? 1958 में हुई है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है अभी हाल ही में कहां मनाया जा रहा है? 11 से 14 मई को मनाया जा रहा है 2023 में, कहां? न्यू दिल्ली में, यह ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान। ठीक है, न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में ये मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कहां मनाया जा रहा है? 11 से 14 मई को 2023 को न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में मनाया जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे एक चीज ठीक कर लीजिएगा, ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये इसकी स्थापना या इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो 1998 में हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इज द फीमेल साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर एज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। महिला दक्षिण अफ्रीका तेज गेंदबाज
कौन है जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी शबनीम इस्माइल, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि अभी किस महिला दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने महिला क्रिकेट से फाइनली संन्यास लिया है? तो नाम ध्यान रखिएगा शबनीम इस्माइल, ठीक है। ये किस कंट्री की प्लेयर है? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की है शबनीम इस्माइल, इज द राइट आंसर। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। एंड करेंसी, साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? रैंड, करेंसी इज रैंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च रोबोटिक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क? कौन सा राज्य रोबोटिक्स नीति ढांचा शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। सेबी लॉन्चेस एलईआई सिस्टम विच रिकमेंडेड कमेटी? सेबी ने एलईआई योजना शुरू की किस समिति की सिफारिश पे, किस समिति की सिफारिश की? तो देखिए ऑप्शन ए ईएसएल नरसिम्हन कमेटी, ऑप्शन बी नचिकेत मोर कमेटी, ऑप्शन सी उदय कोटक कमेटी, ऑप्शन डी बी शिवरमन कमेटी। तो ध्यान रखिएगा ये अलग अलग कमेटियां जो हैं अलग अलग विषयों पर आधारित है। जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर वन ईएसएल नरसिम्हन कमेटी फॉर, इसके लिए फेमस है तो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। सेकेंड नंबर पे नचिकेत मोर कमेटी किसके लिए बनी है? तो पेमेंट बैंक के लिए बनी है, पेमेंट बैंक। थर्ड नंबर पे बात करें उदय कोटक, तो उदय कोटक कमेटी किसके लिए बनी है? तो सेबी लॉन्च एलईआई योजना, एलईआई योजना जो है इसके लिए बनी है उदय कोटक कमेटी। तो ये इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है बी शिवरमन कमेटी, तो बी शिवरमन कमेटी किसके लिए बनी है? नाबार्ड, नाबार्ड जो कि एक डेवलपमेंट बैंक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेबी जो है इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आपको मैं पहले भी बताया हूं सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ है? सेबी का फॉर्मेशन हुआ है 12 अप्रैल 1988, ठीक है। सेबी क्या था? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन था, गैर संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन। 1992 में सेबी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और सेबी की अभी पहली महिला चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट टाइम पे? तो सेबी की पहली महिला चेयरमैन अपॉइंट की गई है माधवी, माधवी पुरी बुच, बी यू सी एच, ठीक है। शी इज द फर्स्ट वेमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है रिसेंटली वेकफिट साइंड हुम एज इट इज एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? हाल ही में वेकफिट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी विराट कोहली एंड ऑप्शन डी इज सलमान खान। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर, आयुष्मान खुराना जो वेकफिट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टीम? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी की राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जो बाइडेन टीम में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी नीरा टंडन, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन डी तानिया गुप्ता। तो देखिए ऑप्शन सी जो है कमला हैरिस, ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर गीता गोपीनाथ की बात करें तो गीता गोपीनाथ कौन रह चुकी है पहले, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट, ये ध्यान रखिएगा, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन रह चुकी है, गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, गीता गोपीनाथ इज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। तो अभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीरा टंडन इज द राइट आंसर, जो जो बाइडेन की टीम में शामिल हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द हेड ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंटमेंट इन इंडिया। भारत में 16वें वित्त आयोग ने 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति के प्रमुख कौन है, ऑप्शन ए डॉक्टर YV रेड्डी, ऑप्शन बी विजय केलकर, ऑप्शन सी NK सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 16वें वित्त आयोग, देखो वित्त आयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, ये ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर अपॉइंट करते हैं, किसको, वित्त आयोग को। तो भारत में वित्त आयोग का गठन जो है, देखो फाइनेंस कमीशन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वित्त आयोग को या फाइनेंस कमीशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में डिफाइन किया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की नियुक्ति होती है और कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर अपॉइंट करते हैं, इनका ड्यूरेशन जो होता है वो कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए डॉक्टर YV रेड्डी, ऑप्शन बी विजय केलकर, ऑप्शन सी NK सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डॉक्टर YV रेड्डी जो पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, विजय केलकर जो GST के क्या थे, GST के कमेटी हेड बनाए गए थे। भारत में GST जब लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है केलकर कमेटी, ठीक है। तो विजय केलकर जो है वो पहले भारत के 13वें वित्त आयोग रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। 13वें वित्त आयोग थे कौन, विजय केलकर, 14वें वित्त आयोग कौन थे, डॉक्टर YV रेड्डी, और 15वें और 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति जो हुई है वो किसके नाम पे हुई है, तो NK सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है NK सिंह, ये रीअपॉइंट हुए, राइट। तो 16th फाइनेंस कमीशन अभी एट प्रेजेंट टाइम पे कौन है, नरेंद्र कुमार सिंह, NK सिंह इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, NK सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 280 किसके लिए बना है, फाइनेंस कमीशन के लिए, वित्त आयोग के लिए बना है। वित्त आयोग का काम क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को जो धनराशि आवंटित की जाती है, फाइनेंस या पैसा अलॉट किया जाता है राज्य सरकारों को, ठीक है, किसी भी राज्य का डेवलपमेंट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फंड्स कहां से आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार से आते हैं। तो उस स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है, किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, और फिर वित्त आयोग उस जगह का जाके ब्यौरा लेता है या ऑडिट या इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है, और उनको इन सब चीजों के बाद जो एक रिपोर्ट बना के सौंपी जाती है वित्त आयोग के द्वारा, वो केंद्र सरकार को सौंपी जाती है, और केंद्र सरकार की फाइनल मोहर लगने के बाद उस रिपोर्ट के बेसिस पे उस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। उसके लिए बना है कौन, फाइनेंस कमीशन, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी विल बी लॉन्च्ड। निम्नलिखित में से इस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी लॉन्च की जाएगी, तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूपी में भारत की पहली पॉड टैक्सी लॉन्च की गई है। तो चलिए आते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा,
भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जिसे हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी एट प्रेजेंट टाइम पे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है एट प्रेजेंट टाइम पे, और कौन से नंबर के हैं? तो 50वें 50th नंबर के हैं। कौन बने हैं? तो उनका नाम को आपको ध्यान में रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने रिप्लेस किया किनको? यू ललित, उदय उमेश ललित। ठीक है, इनको रिप्लेस करके नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, प्रेसिडेंट ऑप्शन डी। तो चलिए आज के लेक्चर में ये आपकी आज की टॉप हेडलाइंस थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए करंट अफेयर्स लेके आपके सामने पेश होंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।